हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भाई यहाँ ऊपर से पानी आना स्टार्ट हो गया था और चार्जिंग पे लग रही थी। अगर इसमें पानी चला जाता तो अंदर, ये देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर इसमें पानी चला जाता तो शॉर्ट सर्किट हो जाता। चलो अब चलते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं धनोल्टी। यहाँ से निकल लिए हम। रेंज है इसमें पूरी 100, बैटरी पूरी 100% चार्ज है। देखो गेट खोल देते हैं। चलो गाइस मिलते हैं आगे चल के, और आपको सब कुछ बीच में कहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेंगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं लेट ही हो गया, 9:30 बज गए कुछ। तो भाई मैं रात को कहीं पे था तो वहीं से आया था मैं, 3 बज गए थे मुझे रात, मैं कहीं पे बैठ गया था जाके इस वजह से। और भाई 9:30 बज गए लेकिन फिर भी चलो ठीक है। यहाँ से जो धनोल्टी है वो है, दिखा रहा है अराउंड 50 किलोमीटर, मतलब आना जाना होगा 100-105 के करीब। तो देखते हैं ये आ पाएगी या नहीं। बैटरी इसमें पूरी चार्ज कर ली थी इसको। गाइस अब हम फ्लाईओवर से होते हुए जाएंगे, क्योंकि हम मसूरी से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट धनोल्टी जा रहे हैं। क्योंकि मसूरी जाएंगे 35-40 किलोमीटर पड़ेगा, फिर वहाँ से 30-40 किलोमीटर वो पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट ही जा रहे हैं, एक रास्ता जाता है आगे से उससे जाएंगे। यानी क्या हो रहा भाई, यहाँ पे तो दिखा रहा 50 किलोमीटर और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले में और दिखा रहा 30 किलोमीटर। पता नहीं यार कौन सा मैप ठीक है कौन सा गलत है। गाइस अब हम मुझे पता नहीं चल रहा भाई कि कौन सा सही रास्ता है, लेकिन मैं जा रहा भाई मैप के थ्रू। अब यहाँ का हिस्सा तो मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे ऋषिकेश वाला रास्ता है, अब देखते हैं। गाइस अगर रास्ता भूल गए तो ऋषिकेश ही चलेंगे फिर, अगर यहाँ से रास्ता सही नहीं वो हुआ ना, ऋषिकेश रोड तो है ये, फिर वहाँ ही चले जाएंगे बस। एक ये फ़ोन हर टाइम मतलब गर्म ही रहता है। चलो गाइस अब तो धनोल्टी का बोर्ड आ गया, ये देखो गाइस आप पहुँचते हैं आराम आराम से। ये इसमें से मैप दिखाता हूँ, चलो गलत दिखाता है इसमें गाय। वो जो है ना मैप वो उतने ही चलते हैं जितने डाउनलोड हुए हुए हैं, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो, मतलब जितना इसका मेमोरी है वो उतने ही चलते हैं बस। गाइस ये देखो मैं अपने हालात खड़े कर दिए, अब यहाँ से दिखा रहा है धनोल्टी 70 किलोमीटर। जो रास्ता है वो है पीछे से, अब उसी पर चलते हैं। मैं भी बता रहा था कि स्कूटी का मैप गलत है और फ़ोन का सही है, तो भाई रिजल्ट जो आया वो ये आया, स्कूटी का मैप तो ठीक है और फ़ोन के मैप ने भाई फोन का मैप भाग। अब हम आ गए हैं भाई अपने ठीक रास्ते पे, हम वहाँ पूछ लिया था एक से, अब जा रहे हैं आराम आराम से। यहाँ से 50 किलोमीटर बता रहे हैं भाई, और 50 जाना 50 आना, तो देखते हैं भाई रेंज बच रही इसमें अब 116 किलोमीटर की, देखते हैं हम कर पाएंगे या नहीं। तो आप गाइस अभी हम शेष धाड़ा वाली रोड पे, अब पता चला यहाँ से मसूरी बचा है 33 किलोमीटर, और वो देखते हैं धनोल्टी का रास्ता शायद कोई अलग जाता होगा। अब देखते हैं अब आगे आगे मतलब सारा पता चल जाएगा, फ़ोन के नेटवर्क तो यहाँ पे चले गए।
भी एक भैया मिले थे, उनसे पूछा कि नोल्टी का रास्ता किधर को जाएगा, क्यों उधर से तो 55 किलोमीटर है मसूरी से अगर जाएंगे और इधर से है 45 किलोमीटर। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ना ये तुम्हारा स्कूटर चढ़ेगा नहीं इधर, और हम इसी वाले रास्ते से आ गए। मैंने कहा भाई बस देखते हैं चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा, इस पर एकदम बता रहे हैं कि खड़ी चढ़ाई है और आज इसका ओला का खतरनाक वाला टेस्ट होने वाला है। ये देखो चढ़ाई स्टार्ट हो गई अब और देखते हैं। अभी चल रहे हैं हम शेष धारा में, यहाँ से निकलते हुए जाएंगे और रास्ता बहुत ही खतरनाक बता रहे हैं। अब देखते हैं जा पाएंगे या नहीं, क्या रहेगा। यहाँ पे गाइस बहुत ही बुरा जाम लगता है बहुत। गाइस ये है अभी हम शेष धारा में, यहाँ पे तो बहुत ही भीड़ हो रही है भाई, इसीलिए यहाँ तो रुकते नहीं भाई। और अभी नहाने का मूड भी नहीं है इसलिए यहाँ तो रुकते क्या ही करें, तो आगे चलते हैं अभी यहाँ से। जाता हूँ पूरा शेष धारा का ऊपर से व्यू क्या क्या साथ है। स्कूटी यहाँ पे खड़ी है, ये देखो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। गाइस अब चल चुके हैं नोल्टी के रोड पे, अब हम बिल्कुल ठीक रोड पे चल रहे हैं। अब हेलमेट को इग्नोर करना, अभी लगा लूँगा मैं रुक के, अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए उतार दिया था। अब ये देखो ये रोड मतलब बहुत ही वो बता रही है खतरनाक कि ये चढ़ नहीं पाएगी, जिससे भी पूछा उसने यही बताया कि ये वाला ऑफ रोडिंग है और मैं इसी रास्ते से आ गया, अब देखते हैं क्या होता है। गाइस अब मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, ये धनोल्टी जाता है यहाँ को शेष धारा होके, ये अपनी ओला खड़ी है। ये रास्ता थोड़ा सा मतलब सब बता रहे हैं कि थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है, इस पर ओला नहीं जा पाएगी, तो भाई मैं इसी से आया फिर भी। गाइस देखो यहाँ से प्रॉपर व्यू आ रहा है पूरी शेष धारा का, देखो गाइस इस टाइम बहुत भीड़ हो जाती है भाई, नहाने में तो मज़ा नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा, ये देखो कितनी भीड़ है। गाइस यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी उनमें से ही। गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये रोड पूरा ऑफ रोडिंग वाला रोड है, जिस रोड से मैं जा रहा हूँ मतलब ये देखो कुछ पैच सही है इसके और कुछ बहुत ज़्यादा खराब, इधर की साइड ही होती है लैंडस्लाइड, इधर की साइड ही होती है ज़्यादा। इधर की साइड गाइस लैंडस्लाइड होती रहती है और ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये शायद इधर मसूरी की साइड का सबसे खतरनाक रोड है, इस पर मैं अकेला चल रहा हूँ, मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा मुझे। गाइस इधर का रोड तो है बहुत खतरनाक जैसे सब बता रहे थे, एक तो एक भी ना बाइक है ना मतलब कोई नहीं है इधर इस वाले रोड से, और ये देखो भाई आज ना ओला का सस्पेंशन वगैरह का अच्छे से टेस्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ बहुत रोड टूटा हुआ, ये देखो यहाँ पे ऐसे लैंडस्लाइड होती रहती है इधर की साइड, देखो पूरा रोड ही खराब है साला, टूटा पड़ा ये रोड, ये देखो भाई बहुत मुश्किल है। गाइस ये देखो आज तो ना मतलब तकड़े वाली ऑफ रोडिंग होने वाली है, तो पूरा ये मतलब खतरनाक रास्ता है ये, ये देखो भाई वो
ये देखो भाई पूरा टूटा हुआ रास्ता आ गया, अब देखते हैं। ओहो ये तो ज़्यादा ही खराब है रास्ता, आज लग रहा भाई ऐसा ना हो कि कभी हम फंस गए हों यहाँ पर आके। देखो बहुत ज़्यादा खराब है भाई, बहुत ज़्यादा। और ऐसे रोड पे ना जितनी चढ़ानी होती है ना मुश्किल, उससे ज़्यादा उतारनी होती है, क्योंकि पूरा स्लिपरी होता है ऊपर से, अपनी स्पीड से आती है ऊपर से। देखो भाई पूरा रास्ता, मतलब ये शायद मतलब बन रहा है ये रोड, क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे काम तो चल रहा है। एक जेसीबी खड़ी थी अभी पीछे, अब पता नहीं भाई। भाई ओला ले आया बहुत खतरनाक रास्ते पे, इसी बात पे एक लाइक एक तो बनता है, एक लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और तुम्हारे लिए ऐसे ही ब्लॉग्स लाते रहेंगे खतरनाक वाले। ये देखो भाई गाइस मैं अभी आ रहा था, ये रोड है ये धनोल्टी वाला, ये धनोल्टी वाला वैसे मतलब ख़राब वाला रोड है, और इस पर ये अब इसका वो ही नहीं चेंज हो पा रहा। अभी आपको दिखाता हूँ, ये लो ये इको मोड से ये देखो, कांट स्विच मोड्स। तो भाई ऐसे में हम क्या करें अगर मतलब वो हो जाए, अब ये इको में तो चढ़ने की नहीं यहाँ से। ये देखो गाइज, तो ऐसे में मतलब थोड़ी सी ओला में ये प्रॉब्लम है, पता नहीं पूरा उसका है ना मतलब ऑटोमेटिक है सारा सिस्टम, तो उससे ये अपने आप मतलब वो मैनुअल नहीं कर सकते इसमें कुछ भी। अब देखो ये इस मोड चेंज नहीं हो रहा इसका, रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, कांट स्विच मोड्स, ये कर रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी दूर से दूर तक यहाँ पे कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ एक। ये देखो गाइस, अब लग रहा है मुझे कि वापस जाना पड़ेगा यहाँ से, इसमें यहाँ पे मोडिंग चेंज हो पा रही है अगर मोड मतलब ये इको में है, और इको में तो यहाँ चलनी मतलब बहुत मुश्किल का काम है। अगर मोड चेंज होता हो जाता फिर तो ये बहुत आसानी से चढ़ पाती, लेकिन पता नहीं अभी। ये देखो ये नॉर्मल मोड भी नहीं ले पा रही पता नहीं किस वजह से, ये बता रही है कि जैसे ये ऑफ रोडिंग वाले रास्ते हैं यहाँ पे इसने पावर रिड्यूस करी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये ले नहीं। अब मुझे लग रहा है अब वापस ही जाना पड़ेगा मुझे, अब गाइज यहाँ से नीचे ही जाना पड़ेगा, ऊपर तो ये चढ़ नहीं रही। अब हम इसको रिस्क लेने से, जब यहाँ इसने वो कर दिया, रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं है अब। ओहो गाइज अब तो चली है ये नॉर्मल मोड में, लेकिन कभी इससे आगे और भी ज़्यादा खतरनाक हो रास्ता, फिर और दिक्कत आए। तो क्या करना चाहिए, अभी तो हम 3-4 किलोमीटर जाए, चलो 1-2 किलोमीटर और चल के देखते हैं। और चल के देख लेते हैं करती है गाइस। अब ना मैं इसे मतलब थोड़ी स्पीड से रख रहा हूँ मोशन में, क्योंकि ये पिछली बार मैंने रोक दी थी तो फिर वहाँ पे इसने पावर रिड्यूस कर दी, तो अब मैं इसे मतलब स्पीड से चला रहा हूँ थोड़ी सी, इसलिए फिर रोक के मतलब फिर दिक्कत होगी, क्योंकि भाई रास्ता बहुत खतरनाक है। ये देखो गाइस ऐसे में तो मतलब मैं कहूँ अगर भाई एक्टिवा होती उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती थी। और भाई एक बात बता दूँ, मतलब अगर ये वैसे ना दिक्कत करे ना मोड्स वगैरह में, रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, कांट स्विच मोड्स,
ये गाइस देखो फिर ऐसे ही हुआ है इसमें, और वो देखो ऑल्टो भी आ रही है। तो गाइस ऑल्टो आ रही है, ये देखो इसमें अब फिर वही प्रॉब्लम आई। ये भैया इनफील्ड से आ रहे हैं और इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये आप देख सकते हैं, ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है ये यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है ये, जितना भाई वीडियो में उतना दिख नहीं पा रहा। ये देखो किस तरह स्ट्रगल कर रही इनफील्ड भी, ये देखो ये ना गाइस अपने आप पावर रिड्यूस कर रही है किसी वजह से, और यहाँ पे बहुत ही सांस फूल रहा है। मतलब उसमें चलते चलते ना नॉर्मल मोड में चलते चलते एकदम इको में आ जाती है ये, और फिर रोक रोक के चलानी पड़ रही है। और यहाँ पे बहुत ही रास्ता तो भाई मार लेगा, वहाँ तो 30 किलोमीटर अगर स्पीड चलना पड़ गया। गाइस इसमें ना जो प्रॉब्लम आ रही है, जो मुझे लग रहा है वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर ये पावर मोड में लगाओ मतलब स्पोर्ट्स में या हाइपर में, तो ये इसका जो टायर है वो स्पिन होता है, और अगर उसमें चलाओ नॉर्मल में भी ये स्पिन ही कर रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इस वजह से अपने आप ही इको में लग जा रही, और इको में लग के मतलब यहाँ पर चढ़ नहीं पा रही। अब देखते हैं इसे किस तरह ले जा पाते हैं हम। गाइस तो चल नहीं पाया काम, इसीलिए हमने वापस मोड़ लिए, क्योंकि ये तो अब तो 10 सेकंड भी नहीं चल पा रही है। देखो आप रोड की रोड देखो गाइस ये कितने खतरनाक है, तो इस पर आराम आराम से अब नीचे उतर। गाइस यहाँ पे आके स्कूटी ये नॉर्मल हुई है, वरना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अगर चढ़ाई होती तो भी इतनी प्रॉब्लम ना आती, लेकिन वहाँ पर जो रोड था ना वो पूरा मतलब ऐसे वहाँ पे पत्थर ही पत्थर थे, बहुत ज़्यादा बेकार रोड था, इसलिए इस वजह से शायद वो हुआ इसमें आई है, वहाँ पे चल ही नहीं पाई। अब देखो अब तो ये ठीक नॉर्मल अपने उस पर आ गई है भाई। धनोल्टी जाने का प्रोग्राम तो आज के लिए स्किप करना पड़ेगा, फिर देखते हैं अब क्या करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बाय बाय।